आइए संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग शेयर करने के लिए इनवाइट करते हैं नीलम कपूर आंटी को। नीलम आंटी प्लीज आए और सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। पहले तो शुक्राना गुरु जी का, शुक्राना अंकल सेवादार का, सबका शुक्राना कि मुझे बार बार गुरु जी ब्लेस करते हैं। जैसे कि बोला जाता है कि सत्संग करने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, तो हम भी अपना कल्याण कराते रहते हैं। रोज सत्संग सुनते हैं और अपना कल्याण हमारा अगर होना है तो गुरु जी ही करते हैं, और तो कोई कर नहीं सकता कल्याण। तो सत्संग शायद इसीलिए गुरु जी ने ब्लेस किए हुए हैं कि हम सबको कोई ना कोई पावर मिलती है उससे, कोई ना कोई शक्ति मिलती है हमसे, क्योंकि हमारे अपने कर्मों के हिसाब से। सो मैं स्टार्ट करूंगी अगेन, बार बार गुरु जी जो बुलवाते हैं, कि गुरु जी के बारे में जब सबसे पहले सुना तो इट हैज बीन लाइक ऑलमोस्ट 26 years। तब जब गुरु जी के बारे में एक पुरानी संगत है उनसे, उनके बारे में सुना, पुरानी नहीं बोलना, कहते नहीं बोलना चाहिए, बट पुरानी तो है, हम ब्लेस्ड हैं कि उनके सत्संग सुने, उनके एक्सपीरियंस सुने और उनसे हम ब्लेस्ड हुए। हमारे को बहुत आंसर्स मिलते हैं आज भी, बहुत सारी ऐसी बहुत संगत हैं जिनको मिलने की हमारी हम मिल पाए और हम लकी हैं कि उनसे हमने अपने सामने सत्संग सुने हैं। सो मैं भी गुरु जी के बारे में तब सुना, लेकिन सुना और इग्नोर किया, सुना और इग्नोर किया, और बहुत ही ज्यादा क्लोज रिलेशन में थे जिनको गुरु जी ने ब्लेस किया। अनीता आंटी को बहुत ज्यादा ब्लेस किया गुरु जी ने, उनका कनेक्शन तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे हो गया था। सो सुन के भी लगा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इनकी ब्लेसिंग्स और तरह से है, ये पर गुरु जी पे विश्वास करती है बहुत ज्यादा। तो इग्नोर किया इस चीज को, अपने अपने उसमें, अपने मन में, अपने ईगो में, अपने कनेक्शन में, ईगो भी शायद मैं नहीं बोलूंगी, तुम्हारी अपनी एक लाइफ रूटीन होती है, तुम जिस चीज को फॉलो करते हो। तो मैं ज्यादातर दिल से फॉलो करती थी आर्य समाज को, क्योंकि मेरे पेरेंट्स, मेरे फादर आर्य समाजी थे, तो उन्होंने हमें अपना वही मूल मंत्र दिया हुआ था, ओम नमः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, जाते बैठते, खाना खाते, एग्जाम के टाइम, तो वही एक मन में था। और फिर वो बचपन से एक आदत बनी हुई थी, तो कि हवन और ये मंत्र सबसे बड़ा मंत्र है, ओम सबसे बड़ा मंत्र है, तो वही एक कनेक्शन था। तो इसलिए गुरु जी के बारे में 26 साल से पता था, लेकिन एक कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। शायद गुरु जी को पता था कि कब इसको जरूरत पड़ेगी मेरी, गुरु जी को पता था इस बात का। तो उससे काफी देर बाद, लाइक आई थिंक जो मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, क्योंकि वो शायद वो भी गुरु जी ने कुछ घुमाया होगा, तो लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आई थिंक 20 years या 22 years के बाद के पहले मैं गुरु जी से फिर मिली। छोटा मंदिर बोलते हैं जैसे एम्पायर स्टेट, गुरु जी से मिली, खूब बातें करी, गुरु जी ने बहुत सारे लंगर खिलाया, बहुत प्यार किया, संगत चली भी गई और गुरु जी ने अपने चरणों में बिठाई रखा। हम सब काफी फैमिली मेंबर्स थे और हम लोग जब गुरु जी के पास वहां गए थे तो एक अचानक से प्रोग्राम बना था, तो चले गए। गुरु जी ने काफी कुछ मतलब प्यार दिया और बोला कि यहाँ आना, आई थिंक उनको पता था कि आना चाहिए, इनको अब जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन तब भी हम अपने उसमें ही थे कि नहीं बस आ जाएं और बस ठीक है, ठीक है, ब्लेसिंग्स मिलेंगे, बहुत अच्छी जगह है, यहाँ शब्द चलते हैं, लंगर मिलता है। और गुरु जी की बस एक चीज मुझे याद आती है कि उन्होंने मुझे तब भी बोला था, आई थिंक जनवरी में कोई त्योहार होने वाला था बड़े मंदिर में, गुरु जी ने मुझे बोला था कि बड़े मंदिर आना। तो मैं गुरु जी के सामने बैठी थी, मुझे नहीं पता था कि वो रीड करते हैं, हर चीज रीड कर लेते हैं, तो जो हम सोच रहे होते हैं मन में, तो मैंने मन में सोचा कि वो तो बहुत दूर है, मुझे पता था कि वो बहुत दूर है, ऑल्दो मैं जाती नहीं थी, गई नहीं थी, पर मुझे लगा कि वो तो बहुत दूर है। तो मैंने अपने मन में सोचा कि वहां कौन जाएगा, इतनी दूर कैसे जाना है, इतना हम डिसिप्लिन है, हम तो हवन करते हैं, प्लस अपने घर पे यहाँ जो इन लॉज थे यहाँ सब साईं बाबा को मानते थे, माता रानी को मानते थे, तो हमें एक
रूटीन था साईं बाबा के मंदिर लोधी रोड जाना, वहां पर लंगर बांटना, तो बहुत अच्छा लगता था। हर साल शिरडी जाना, साल में कई बार दो बार भी शिरडी जाना, तो एक वो अटैचमेंट बाबा से हो गई थी। ऑल दो आर एस माजी दिमाग होने के बाद भी, तो महा वो अटैचमेंट बहुत ज्यादा थी। तो गुरुजी के पास बैठ के भी यही मन में आता था कि बाबा तो है ना, तो और इधर उधर क्यों जाना। लेकिन कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस बनते जा रहे थे कि एक बारी मुझे मैं फिर से किसी को लेके गई, कोई बीमार था, तो मैं अपने अपने स्वार्थ में नहीं, पर एक इस स्वार्थ में गई कि मुझे पता है कि उन्होंने बहुत ब्लेस किया है कुछ संगत को, मेरे क्लोज संगत को, तो मैं किसी को लेके गई कि उनकी लेग्स की प्रॉब्लम थी कि शायद वो ठीक हो जाए वहां। तो मेरे दिमाग में ये बात तो थी, वो गुरुजी डाल चुके थे कि यहाँ मिरेकल होते हैं, हम मिरेकल समझते थे ना हम उनको, तो वो ब्लेसिंग होती है जिसको गुरुजी ने ठीक टाइम पे देना होता है। तो मैं लेके गई उनको फिर से, लेकिन मैंने इग्नोर किया था, मंदिर नहीं गई थी, और गुरुजी तो जान ही जान थे। उन्होंने मुझे याद है आज भी, वो रूम में बैठे थे छोटा मंदिर में, तो उन्होंने ऐसे टर्न करके देखा, और देखा उन्होंने, और एक मतलब गुरुजी का अलग से ऑरा था, तो एक थोड़ी सी घबराहट थी कि गुरुजी क्या कहेंगे, मैं क्या सी कि आई बड़े मंदिर आई। मुझे लगता है शिवरात्रि था, क्योंकि विंटर में मैं गुरुजी के पास गई थी, तो पर मैं नहीं गई थी, तो उनको तो पता था कि ये नहीं आई, मैंने इसको बोला था, यू न्यू दैट। तो हम सब अपने वही ईगो में थे, लेकिन उस दिन मैं फिर चली गई। मैंने कहा शायद किसी का भला हो जाए, ये गुरुजी सबको ठीक कर देते हैं। लेकिन गुरुजी उस दिन बाहर ही नहीं आए। जितनी देर हम बैठे रहे उतनी देर वो थोड़ी देर बाद टर्न करते थे और बाहर नहीं आए। तो काफी देर हम बैठे रहे, चाय प्रसाद पिया, बस माथा टेका और फिर हम चले गए। जब मैं बाहर निकली तो मेरे मन में ये आया कि अब मैं कभी नहीं आऊंगी, यहाँ तो नहीं है, ऐसे थोड़ी गुरुजी होते हैं कोई जो जिनको ब्लेसिंग देनी होती है, वो ऐसे लोग थोड़ी होते हैं, वो तो फिर हमारे जैसे हो जाते हैं। लेकिन ये बोल के मैं चली तो गई, लेकिन जब चली गई तब भी मन में एक कोने में फिर भी एक पॉजिटिविटी थी जिसको मैं इग्नोर कर रही थी कि नहीं मैं नहीं मानती, मैं नहीं करती, ये नहीं है, वो नहीं है। और उस डिस्टेंस में फिर थोड़ी देर निकल गई, मैं वाक्य में कभी नहीं गई, सुनती रही गुरुजी के बारे में कि सत्संग होते हैं, शब्द चलते हैं, सब कुछ सुनती रही। फिर गुरुजी ने चोला भी छोड़ दिया, मैंने मुझे जब ये फोन आया कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, मुझे अनीता आंटी का ही फोन आया एंड वो रो रही थी, और उन्होंने बोला गुरुजी चले गए, गुरुजी चले गए। सो आई सेड कि गुरुजी कैसे चले गए, गुरुजी तो मतलब इतनी ब्लेसिंग्स देते हैं लोगों को, वो तो बहुत छोटे थे, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चलता ना हम लोगों का। तो मैं ये बोलती रही कि वो कैसे चले गए, लेकिन वो कहती वो चले गए, उनको पता होगा कि वो चले गए। चलो ये बात भी खत्म हुई, मैंने उसको दिलासा दिया, क्योंकि बहुत फेथ स्ट्रांग है उनका, बहुत फेथ स्ट्रांग था। और दुख हुआ लेकिन कि एक आस होती है, कितने लोगों को एक आस होगी, ये नहीं समझ आया कि गुरुजी तो तब से और दुगने कल्याण लोगों के कर रहे हैं। सो गुरुजी का एक अपना ही सिस्टम है, लेकिन गुरुजी को पता था। तो कुछ टाइम बाद मैं, मेरी डॉटर है, एक डॉटर है, बहुत अच्छी है, बहुत इंटेलिजेंट है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि बच्चों के 90% मार्क्स आए, 100% मार्क्स आए, कॉम्पिटिट करते हैं कि वो पढ़ रहा है तो ये भी पढ़े, वो इस कॉलेज में है तो वो भी इस कॉलेज में जाए। ऐसी एक स्टोरी मेरी भी थी और मेरी डॉटर की भी थी। शी वॉज अ केयर फ्री चाइल्ड, इंटेलिजेंट चाइल्ड, वेरी गुड चाइल्ड, बचपन से स्पिरिचुअल थी, तो लेकिन उसका ध्यान पढ़ने में नहीं रहता था। तो जैसे हमें वही बात मैं बोल रही हूँ, कॉम्पिटिशन रहता था बीच में। मैंने उसके एग्जाम्स आए 12th में, मैंने कहा ओहो ये कैसे इसको मिलेगा, ये एकदम टक टिक के पढ़ती नहीं है, और कभी बास्केटबॉल खेलती है, कभी डांस क्लासेस चली जाती है, कभी हारमोनियम सीखती है, पढ़ती नहीं है, कैसे करेगी। तो मैं, उसके बोर्ड एग्जाम्स थे और गुरुजी चोला छोड़ चुके थे,
तो आई जस्ट कॉल्ड उसके पहले पहले एग्जाम के दिन, आई जस्ट कॉल्ड अनीता आंटी एंड सेड छोटे मंदिर तो ठीक है, लेकिन मैं कभी गई नहीं बड़े बड़े मंदिर, और गुरुजी ने बुलाया था, तो क्या मैं अब जा सकती हूँ? तो उनका, तेरा मन है जाने को तो तू चली जा. तो मैं इनका कहाँ से जाऊं, मैं अभी यही हूँ, पास ही हूँ, मेहरौली के पास आतिका का सेंटर पड़ा हुआ है वसंत कुंज में. तो मुझे इतना अंदाजा था कि गुरुजी का आश्रम आसपास है. तो उसने मुझे बोला कि तू ऐसे कर, छतरपुर मंदिर हम लोग रेगुलर जाते थे, तो तू छतरपुर मंदिर से सीधे जा, कहीं मुड़ना नहीं है, तुझे बोर्ड दिखेगा गुरुजी का आश्रम. तो मुझे लगता है उसकी तो पैर नहीं लग रहे थे जमीन पे, क्योंकि उनके लिए एक वो था कि शुक्र है कि कोई तो मेरी फैमिली से अब ये कदम उठाने लगा है और गुरुजी के पास जाने लगा है, जिसको गुरुजी ने खुद बुलाया था, खुद बोला था कि आया कर ये वो सब चीजें, लेकिन इसने कहना नहीं माना. तो उस दिन शी वॉज क्वाइट हैप्पी. तो मैं चली गई, मैं वहां गई क्योंकि मेरी डॉटर का एग्जाम था, 2-3 घंटे का टाइम था मेरे पास. तो मैं वहां पर ड्राइवर के साथ गई. जैसे मैं आश्रम पहुंची, मुझे मुझे आज भी याद है, वो चीज आज भी याद है. ओ माय गॉड, वो ऐसे लगा कि मैं कहीं स्वर्ग में आ गई हूँ. उस टाइम ऐसे नहीं होता था कि तुम आ नहीं सकते, जा नहीं सकते, तो क्योंकि सब जैसे था. तो मैंने भी उसको बोला जो हम सुनते आ रहे थे कि मैं क्या कुछ लेके जाऊं कुछ. उसने कहा तेरा मन है तो तू समोसे ले जा, वहां समोसे और चाय ले जाते हैं. तो मैं वो देर से फिर मैं समोसे, तब ऐसे नहीं होता था कि नहीं ले जा सकते, समोसे ब्रेड पकौड़े जो भी दिल करे, लोग चाय बना के लाते थे. बड़ा आनंद आता था कि पीछे बैठ जाओ, कोई संगत है आगरा से आई हुई, कोई संगत कहीं से आई हुई, और पुराने पुराने अपने एक्सपीरियंसेस गुरुजी के साथ, उनके कल्याण किए हुए कल्याण, वो सब सुनाते रहते थे. तो मुझे आज भी याद है, मैं गई और पहले ही दिन ही मैं जब वहां गई, और पहले मैं वहां बैठी आराम से, वहां मार्बल सीट जहाँ शिव जी की मूर्ति है उसके पास कोने में बनी है, मेरा मन नहीं किया वहां से उठने को, और मैं अपने आप इमोशनल होती रही. मुझे मुझे लगा कि मैं गुरु जी के कहने पे क्यों नहीं आई. तो एनीवे बहुत अच्छा लगा, अंदर गई, समोसे वहां छोड़ दिए, कोई था सेवादार उनको देके, अंदर गई, मत्था टेका, और अंदर भी सत्संग कर रही थी कांची. तो मैं सुनने बैठ गई गुरुजी के माँ चरणों में, बहुत अच्छा लगा मुझे. हॉल में एक बड़ा सी सुकून मिला, और जिसे बोलते हैं गुरुजी की एक फ्रेग्रेंस होती थी, बहुत फ्रेग्रेंस थी, बहुत फ्रेग्रेंस थी. और फिर आंटी से, शी इज नो मोर, दैट आंटी इज नो मोर, बड़ी दुख लगता है, वेरी यंग अभी गई है वो. तो वो आंटी अपना एक सत्संग शेयर कर रही थी, गुरुजी ने उनको लाइफ ब्लेस की थी, तो वो अपना एक शेयर कर रही थी सत्संग कुछ, जैसे जिसे बोला जाता है कि कोई आपको कुछ कर देता है या टाइप्स. तो ऐसे उनका सत्संग पूरा मैंने सुना. फिर मैं पीछे भी चले गई, जैसे सब सेवादार गाइड कर रहे थे कि आप पीछे जा सकते हो, और ऐसे कोई उस टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती थी. पीछे गई तो पीछे बैठ गई, पीछे मुझे याद है तब आगरा से कोई अंकल आए हुए थे, वो कोई अपना सत्संग सुना रहे थे. तो जिस जैसे जैसे सत्संग वाक्य में, सत्संग में गुरुजी के जो सत्संग सुनाते हैं, जो एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के, वो तुम्हें बहुत एनर्जी देते हैं, बहुत एनर्जी, और गुरुजी से तुम्हें सच्ची में प्यार हो जाता है जब वो तुम सुनते हो, क्योंकि तुम इग्नोर करते रहते हो कि ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता. और मैंने तो अपने घर में देखे थे ये सब चीजें गुरुजी की होते हुए भी, लेकिन फिर भी लगा कि नहीं. लेकिन जब एक एक जिने को मैं इस धाम में, जिसे धाम कहते हैं कि ये गुरुजी का जो बड़ा मंदिर है ये धाम है, इसमें जब जो एक पॉजिटिविटी थी, एक हवा थी वहां की, वहां पे जो एक खुशबू थी, एक पवित्रता थी जिसे बोलते हैं समाधि में, और फिर पीछे सब बैठ के चाय पी रहे हैं, ये कहाँ होता है, ऐसे कहीं भी नहीं होता. ये सिर्फ ऐसे बड़े मंदिर में ही करने को मिल सकता है, और मैंने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, वो तो कभी अब भूलता नहीं है. सो एनीवे मैं वहां फिर भी उसी गरज में गई, जैसे बोला जाता है कि सुनती आ रही थी, तब से ही सुनते आ रही थी कि गुरु जी कहते थे कि मनो मांगो नहीं,
लेकिन हम लोग कहाँ सुनते हैं। हमें जब कुछ मांगना होता है तो उनके दर पे पहुंचते हैं, तभी पहुंचते हैं, उसके पहले तो हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो हम ह्यूमन ही, हमारे हर चीज में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई लाइफ में प्रॉब्लम रहता ही है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। और एक्सेप्टेबल भी है कि हमें सबको पता है कि वो हमारे कर्मों के अनुसार है, हर चीज कर्मों के अनुसार है। तो जो वो संगत भी बोलती है कि गुरुजी कहते थे कि 90% मैं कटाता हूँ, 10% तो तुम्हें काटने पड़ेंगे, क्योंकि बहुत हैवी कर्माज होते हैं, कईयों के जल्दी जल्दी निकलते हैं। उसने भी हम लोगों की प्रॉब्लम आती है, उसने जल्दी से हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ, तो उसमें भी ये हमारे को प्रॉब्लम आता है। काम जल्दी भूल जाते हैं कि हमारा क्या कलेक्शन हुआ हुआ है। सो गुरुजी ने बड़ी मेहर की, मैंने मांगा तो यही कि गुरुजी आप इतना कुछ करते हो सबके लिए, इतना कुछ करते हो, मैं आज आई हूं, मैं मांगना तो नहीं चाहती, मुझे पता है कि मेरा बच्चा कुछ ना कुछ अच्छे से ही करेगा, लेकिन आप आज मैं आई हूं तो आप अपना हाथ मेरे बेटी के सर पे रख देना, आप उसको अपनी बेटी समझना। तो मैंने वो किया, मेरा वहां से आने को दिल नहीं कर रहा था, मैंने चारों तरफ परिक्रमा करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, समाधि मत्था टेका, जो अंदर जा पाते थे हम, एक अजीब सा सुकून, बैठने को भी 5-7 मिनट कभी कभी मिल जाता था, अजीब सा अलग सा सुकून होता था। वो दिन था, फिर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक चुंबक थी बड़े मंदिर में कि तुम जाओ, एक चुंबक, ऐसे लगता था कि गुरुजी की प्रेजेंस है, शिव मूर्ति में है, पीछे चाय प्रसाद बन रहा है, वहां पर भी है, शायद वो यहाँ घूम रहे हैं। हॉल में भी ये नहीं लगता था कि फोटोएं हैं, ऐसे लगता था गुरुजी बैठे हैं, तुम्हें ही देख के स्माइल कर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें तुम एक्सपीरियंस करते हो जब तुम एक धीरे 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 विश्वास होने लगता है, विश्वास डगमगाता है, फेथ डगमगाता है, वो भी होता है, वो हमेशा होता है, लेकिन उसको स्ट्रांग रखना ही पड़ता है और रखना भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना एक लड़ पकड़ो, हम एक लड़ पकड़ते नहीं है, लेकिन वो तो हमें पकड़ना ही है। सो पकड़ेंगे तो ही स्ट्रांग हो पाएंगे, क्योंकि लाइफ है, लाइफ में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, सो अप डाउन सब कुछ, वो हमारे कर्मों के हिसाब से, वो हम सबको पता है, चाहे हम किसी भी उसमें है, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सब आते हैं गुरुजी के पास। सो एनीवेज ये है कि गुरुजी ने बहुत कृपा की, और गुरुजी की कृपा गुरुजी ने मुझे दिखाई, क्योंकि मेरी बेटी के सबके जैसे 12th में 5 exams होते हैं, तो मैं हर एग्जाम में उसको ड्रॉप करती थी, और मुझे गुरुजी का मंदिर का अट्रैक्शन होता था, चाहे मैं ग्रीडी हो रही थी, पर मुझे आनंद बहुत आता था, अलनट से किस तरफ मैं ग्रीडीपन में ही जा रही थी, पर मुझे वहां उस मंदिर से, बड़े मंदिर से एक प्यार लगाव हो गया था, और ऐसे लगता था वाह गुरुजी आप ऐसे लाइफ कर दो कि मैं यहाँ पर रोज ही आया करूं और हमेशा मत्था टेकूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताया, तो उन्होंने बोला हाँ, उनको पता है, वो भी गुरुजी को मिले हुए थे, पर उन्होंने भी बोला कि तुम्हें अच्छा लगता है तुम जाओ, क्योंकि मैं तो बाबा के मंदिर ही जाता हूँ। सो एनीवे वो नहीं, मैंने उनको एक दो बार बोला कि आप चलो आतिका को छोड़ के हम चलते हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं तुम जाओ, मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन मेरे तो बाबा हैं। सो एनीवे 3 exams हुए, तीनों बारी मैं गई और गुरुजी के, और 2 exams ऐसे हुए कि मैं नहीं जा पाई, तो मुझे लगता है ड्राइवर नहीं आया था, तो मेरे हस्बैंड गए डॉक्टर को लेके, और वो वहीं बैठे रहते थे 2.5 घंटे। तो मैंने उनको बोला कि आप ही माथा टेकाओ, आप मंदिर समझ के माथा टेकाओ, ये मत कि आप मानो। तो उन्होंने बोला नहीं मैं वहीं ठीक हूँ। मैंने कहा ठीक है। सो जब उसकी एग्जाम्स हो गए, वो भी हंसती थी कि ये कैसा लॉजिक है माँ। तो मैंने कहा नहीं लॉजिक नहीं है, पर बहुत अच्छा है, कभी जाओगे तो पता चलेगा कि वहां क्या मिलता है। सो एनीवे गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया उसको, उसकी मेहनत भी थी पर ब्लेसिंग साथ में गुरुजी की थी कि उसके 90% से अबव मार्क्स आए, और 3 subjects थे जब मैं गुरुजी से अपना नाग रगड़ती रही कि आप ब्लेस करना उसको, आप सोचना आपकी बेटी है, तो गुरुजी ने उसको डिस्टिंक्शन दी 3 subjects में,
और मैं सोचती थी कि कैसे जाएगी, हर कॉलेज में उसको एडमिशन मिली, उसकी चॉइस थी जहां उसने करी, लेकिन गुरुजी ने उसको बहुत ब्लेसिंग दी। मुझे जो लगता है आज तक कि गुरुजी ने उसको तब से अपनी बेटी बना ही लिया था। मुझे मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग ये है, क्योंकि बेटी वो मेरी भी है, बेटी वो अपने सारी फैमिली की है, अपने नानू नानी की भी है, अपनी बुआओं की भी है, लेकिन गुरुजी ने उसी टाइम बेटी बना लिया था उसको। और गुरुजी बनाते हैं, बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, ये मैं एक जगह नहीं बहुत टाइम देख रही हूँ, क्योंकि मेरी मेरी बेटी भी जो है, मेरी डॉटर जो है उसको भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनको गुरुजी से बहुत प्यार है। तो जगह जगह अपनी हर फ्रेंड को कोई इश्यूज बच्चों के होते हैं तो बोलती है गुरुजी के पास जाओ, और उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं, गुरुजी बहुत ध्यान रखते हैं। सो एनीवे, वो मेरा पहला एक विश्वास था जो गुरुजी ने ऐसा हिला के रख दिया मुझे। उसके बाद मुझे लगा कि अब इसको भी और मेरे अंकल को भी माथा टेकने जाना चाहिए। सो हुआ ऐसे कि मेरे को अपनी डॉटर के साथ बाहर जाना था, ट्रेवल करना था उसके रिजल्ट्स के बाद। तो शुक्राना किया गुरुजी का मैंने, पर वो मुझे अकेले ही जाना पड़ा, शुक्राना किया मैंने, और फिर मैं बाहर चली गई अब्रॉड अपनी डॉटर के साथ। तो मेरे हस्बैंड इतना ऐसे नहीं जाते हैं, तो उनको मैंने बस एक चीज बोली कि क्या आप मेरे बिहाफ पे एक काम कर पाओगे, तो उन्होंने बोला कि हाँ बोलो। वैसे तो वो कभी नहीं माने, मैंने कहा मेरा एक रिदम टूट जाएगा कि मैं दो मंडेज नहीं जा पाऊंगी, मैं दो मंडे बाहर हूं, तो आप क्या मेरे बदले सिर्फ मंडे को आप बड़े मंदिर सुबह माथा टेक आओगे और प्रसाद ले जाओगे? तो वो इस मामले में मतलब ऐसे बहुत अंडरस्टैंडिंग है। तो उन्होंने बोला हाँ, तेरे भी हाफ पे मैं समोसा प्रसाद भी ले जाऊंगा और मैं माथा भी टेक लाऊंगा, तो तू उसकी चिंता नहीं कर। तो मुझे आज भी याद है वो बात कि उनकी कॉल आई यूके, और उसमें 4.5 घंटे का समर में वो होता है टाइम डिफरेंस। तो जैसे मैं उनको कॉल करती थी, तो मैंने उनको कॉल किया, तो उनका मुझे उन्होंने मुझे बोला कि तुझे पता है मैं बड़े मंदिर से बाहर आ रहा हूँ, और ये तो कमाल है, इतना सुंदर है, इतना अच्छा है, मुझे तो समझ ही नहीं आई कि मैं, तो कहती रही मैं क्यों नहीं आया, हम पहले क्यों नहीं आए, इतनी देर से क्यों आए हैं यहाँ पे, मुझे बहुत आनंद आया, बहुत आनंद आया। सो गुरुजी ने जैसे बोला हुआ था, और हम अपने उसमें थे, टाइम वही गुरुजी ने चूज किया था, मेरी डॉटर को जो मैं कह रही हूँ गुरुजी ने अपना लिया उसी के बहाने, क्योंकि गुरुजी ने उसको बहुत प्यार दिया, उसी की वजह से मैं गई थी। मैं नहीं अपनी अड़ पे बड़ी अड़ी हुई थी, पर उसकी वजह से ही मैं गई थी। और गुरुजी ने देखो मुझे भी और फिर मेरे हस्बैंड को भी, और ऐसे गुरुजी ने अपनाया, ऐसे प्यार दिया, और उनको भी मेरी तरह जब वो गए पहले दिन से ही बड़े मंदिर से इतना प्यार हो गया कि वो कहते मैं तो यहाँ बार बार आऊंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा है। सो अंदर कुछ चल रहा था, लाइफ बहुत स्मूथ थी मेरे, लाइफ स्मूथ कहूंगी मैं थी, अप डाउन रही है, सारी लाइफ ऐसे अप डाउन रही है, बहुत अच्छी भी रही है, शुक्र है परमात्मा का, शुक्र है मेरे पेरेंट्स का, शुक्र है बहन भाइयों का, शुक्र है गुरुजी का। सो लेकिन क्योंकि मेरे पास डॉटर भी बहुत देर बाद आई थी, मेरी एक ही डॉटर है, बहुत मुश्किलों से मेरे को माता रानी ने एक मेरी बेटी दी थी। सो वो बेटी को हर जगह से सबने बहुत प्यार दिया, और फिर गुरुजी ने भी बहुत प्यार दिया, और उसी ने मुझे माँ पर जोड़ा, उसी की वजह से मैं जुड़ी हूँ। तो मैं उसको भी हमेशा थैंक यू कहती हूँ कि जो भी रीजंस बनते हैं, तो हर चीज का रीजन बनता है। तो वो टाइम ऐसा था जब अंकल को भी उन्होंने, गुरुजी ने जब बुलाना था तब बुलाया, जो मुझे नहीं पता था कि अंकल के कई इश्यूज चल रहे थे बिजनेस में, कई प्रॉब्लम्स चल रहे थे, जो आम होता है कि बहुत घर में जो घर के आदमी होते हैं, मैन होते हैं, वो वाइफ्स और बच्चों से बहुत प्रॉब्लम्स इश्यूज शेयर नहीं करते, कि वो सोचते हैं कि हम स्ट्रांग हैं और ये लोग घबरा जाएंगे। तो वो ऐसा टाइम कुछ अंदर आ रहा था,
और उससे पहले जब हम नहीं मान रहे थे कोई इश्यूज नहीं थे, सो वो आ गया और शायद अंकल इसलिए ही वहां झुकते गए गुरुजी के चरणों में, प्यार करते थे उनको, ट्यूजडेज को कई बार सेवा भी करने जाते थे तो वेडनेसडेज को भी जाते थे, गुरुजी अपने साथ जोड़ी रखा, किसी ना किसी संगत ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, और गुरुजी की वजह से, गुरुजी की मर्जी से ये होता था कि कहीं मंदिर में हमें लगता था कि हाँ हमारी कर्म ऐसे हैं जो सिर्फ गुरुजी धो सकते हैं, तो कहीं झाड़ू लगाना, कहीं पोछा लगाना, तो वो कभी बर्तन साफ करने, तो गुरुजी ने हमेशा ऐसे, जब समय आया, एक समय आ गया ऐसा, तो गुरुजी ने इतना बिजी रखा कि गुरुजी ऐसे सब करा के ना हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। सो वो सब चीजें होती गई, पर आगे लाइफ चलती गई, गुरुजी हम गिरते थे गुरुजी उठा लेते थे, बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ, 10 साल में इतना कुछ देखा, लेकिन गुरुजी की जो, गुरुजी का प्यार और जो गुरुजी की शक्ति है वो तुम्हारे को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं कि तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरी जो लाइफ है इसमें अब फिर से कोई बम्प आ गया, लेकिन गुरुजी है ना, तो गुरुजी और चीजों में, इन चीजों में ध्यान तो रखते ही हैं, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारे इश्यूज, जो उनको पता है कि किस टाइम क्या बेस्ट टाइम के लिए। हम फिर भी बोलते रहते हैं हमारा गुरुजी बिजनेस ठीक कर दो, वो कर दो, वो कर दो, लेकिन मुझे पता है गुरुजी ने मुझे लाइफ दी है, मेरे हस्बैंड को लाइफ दी है, मेरी डॉटर को भी लाइफ दी है। कहने में वो छोटे छोटे सत्संग लगते हैं कि मेरी डॉटर का, मैंने पीछे भी गुरुजी ने कृपा की थी, एक बार सुनाने का मौका मिला था कि मेरी डॉटर, मैं शॉर्ट में बीच में सारा आगे लेके जा रही हूँ, कि मेरी डॉटर इम्पोरियो में काम कर रही थी क्योंकि उसको करना ही था काम, और इम्पोरियो में काम कर रही थी और उसके गले में पेंडेंट रहता था, तो गुरुजी का पेंडेंट पहनती थी वो, और वो एक बाहर इटालियन ब्रांड था, उसमें काम करती थी रोबोटो कवाली में। तो उसमें एक दिन उसने मुझे बाद में बताया घर आके कि मम मेरा ना पेंडल, मैं बैठी थी और मेरा पेंडल अपने आप गिर गया गुरुजी का गले से। तो मैंने कहा वो कुछ धागा टूट गया होगा, वो जो रिंग होता है बेटा वो टूट गया होगा। कहती है मम्मी यही तो बहुत स्ट्रेंज चीज है, कुछ भी नहीं टूटा था, पर बैठे बैठे गुरुजी का पेंडल मेरे गले से गिर गया और उसके अंदर सारा अमृत था। मतलब उस टाइम उसने अमृत तो नहीं बोला बच्चा, उसने बोला उसके अंदर मुझे नहीं पता कहां से पानी आ गया उसके अंदर, पेंडेंट के अंदर। वो मेरे पास आज भी पेंडेंट है गुरुजी का। सो कहती लेकिन उसके बाद और भी फनी चीज हुई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोलती उसके बाद मैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे गई, किसी कुलीग से मिलने के लिए, कॉफी के लिए गई पर कैंटीन में, और उसके बाद मैं वापस नीचे आने लगी, तो मैंने कहा चलो मैं एक्सेलेटर से ही जाती हूँ। तो एक्सेलेटर से जाने के लिए मैं अभी टर्न करने लगी थी तो किसी ने मुझे आवाज बोली कि नीचे आ जाते का। तो कहती मेरा पैर एक्सेलेटर पे इतने 3-4 स्टेप्स के बाद में गिर गया, मतलब मैं आगे की तरफ गिरी, 3-4 मैं क्रॉस कर गई एकदम, पर मैंने किसी तरह पकड़ लिया और मन में जय गुरु जी बोला और मैं बच गई। उसके बाद मैं धीरे से एक्सेलेटर से उतरी, पर मैं बहुत नर्वस थी, बहुत घबराहट थी मुझे। तो अगर मम्मी वो 3-4 स्टेप्स के बाद मैं वो ना पकड़ती, और शायद उस टाइम उसको इतना नहीं था, लेकिन उसको ये, उसने मुझे बोला, मैंने जय गुरु जी बोला, तो मैं पूरी एक्सेलेटर सीढ़ियां नीचे गिर जाती और मुझे नहीं पता क्या होता। सो वो कोइंसिडेंस नहीं था जो उसका पेंडेंट गिरा था, वो गुरु जी को पता था कि एक्सेलेटर से शायद आज गिर जाएगी, तो वो उन्होंने उसके गले से खुद अपने ऊपर, मैं तो यही बोलूंगी अपने ऊपर लिया और उसको सेव किया और आराम से उसको लैंड कराया गुरुजी ने। वो छोटे से 3-4 स्टेप सिर्फ आगे की तरफ गिरी और फिर वो बैलेंस हो गया। तो गुरुजी ने अपना वो जो पेंडेंट उसके, उसने मुझे बोला कि मम्मा ना धागा टूटा ना रिंग टूटा, मुझे नहीं समझ आई कैसे गुरुजी ने किया, लेकिन वो कनेक्ट, हमने उसको कनेक्ट किया उसके साथ कि ये गुरुजी की ही ब्लेसिंग थी बेटा, इसी वजह से उन्होंने पहले ही वहां से
अपने तेरे गिर के पैंडन से और गले से सॉरी और तुझे ब्लेस किया। सो सुनने में बहुत शायद किसी को लगे कि बहुत छोटी चीज है, लेकिन मेरे लिए तो मेरे बच्चे की लाइफ है, वो लाइफ दी उन्होंने, कुछ सर पे लग जाता। सो डेंजरस एक्सीलेटर से गिरना, इतने किनारे उसके कैसे होते हैं। सो वहां से भी स्टार्ट हुआ और बहुत कुछ हुआ, मतलब वो इम्पोरियो भी कैसे पहुंची, क्योंकि उसको हाफ वे अपनी स्टडीज छोड़नी पड़ी। फिर वो फैशन कंसल्टेंट बनी, लेकिन फैशन का कोर्स कर रही थी वो पर्ल से, वो भी उसको छोड़नी पड़ी। वो सब चीजें थी जो मैं कह रही हूँ लाइफ में बम्प्स आ रहे थे उनकी वजह से, लेकिन फिर भी ब्लेसिंग थी कि वो फिर हम बाहर, एक बार हम फिर से बाहर जाना पड़ा हमें। एंड वो एक छोटा सा एक वेयर हाउस है, माय छोटे से पीरियड के लिए, 2 मंथ्स के लिए फैमिली वेयर हाउस था वहां, अपना टाइम पास करने के लिए। वो उसको सब जो उसने एक साल कोर्स किया था, वो अपनी ग्राफिक डिजाइन्स वगैरह वहां जाके, वहां 100 डिजाइनर्स बैठे होते थे, तो उसके पास टाइम पास करने के लिए 3-4-5 घंटे रोज जाती थी। और दे वर सो हैप्पी, वो गुरुजी की ब्लेसिंग थी कि वो इतने हैप्पी थे कि वो इतनी बड़ी कंपनी थी, उन्होंने उसको एक सर्टिफिकेट दिया कि एक बच्चा इतना नेचुरल ये सब कैसे कर सकता है, थोड़ा सा उसने स्टडी की हुई है और ये इतना अच्छा डिजाइनिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग और ये जैकेट्स के डिजाइन कैसे बना सकती है। तो उसको एक सर्टिफिकेट दिया गया, जिस सर्टिफिकेट, सिर्फ उस सर्टिफिकेट की वजह से ड्रॉप आउट फ्रॉम कोर्स, ड्रॉप आउट फ्रॉम कॉलेज, जो कि उसकी जर्नी ऐसे ही रही है, मैंने स्टार्ट ही उससे किया था, बट फिर भी बहुत ब्लेसिंग्स है। तो उसकी वजह से उसको वो गुरुजी ने दिलाया। वो भी मेरा, आप जो मैं सोचती हूँ कि उनका एक कॉमन फ्रेंड था उसके एक भाई का, और मेरी डॉटर जानती थी, वो भी गुरुजी संगत था, उसने का एक जॉब है और बहुत अच्छा, वो किसी को ढूंढ रहे हैं तो कर पाएगी, तो वो भी गुरुजी संगत है, बहुत ब्लेस्ड बच्चा है। सो ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब गुरुजी के बनाए हुए कनेक्शंस हैं। सो वो गुरुजी ने उसको दिया, उसकी लाइफ माँ बख्शी, वहीं वो रह रही थी, उसकी लाइफ में भी ऐसे बम्स आए बहुत, पर स्ट्रॉन्ग गुरुजी ने उसको बना दिया छोटी एज में, और बहुत समझदार भी बनाया, जिसे कहते हैं ना बच्चों को बोलते हैं जो जैसे बच्चों का लाइफ स्टाइल है, इंजॉय भी कराया। पर उसको भी गुरुजी से इतनी अटैचमेंट हो गई, इतनी अटैचमेंट हो गई कि उसको भी लगता था कि मैं, मम्मा जाती है, अब सेवा गुरुजी ने दी हुई थी थोड़ी टाइम के लिए, बड़ी प्यारी प्यारी संगतें हैं, उनका जरिया बना के कि इनको सेवा पे लगा दो, जरिए तो हमारी संगत ही है ना, हमारे सेवादार है, तो वो बड़े ब्लेस्ड हैं जो हम लोगों को फोन करते हैं या चूज करते हैं सत्संग करने के लिए या कोई सेवा देने के लिए, तो वो भी गुरुजी की महिमा है कि उनको चूज किया हुआ है, वो आगे चूज करते हैं सबको, ब्लेस कराने के लिए बुला लेते हैं, जैसे मुझे भी आज बुला लिया फिर से। सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं, मेरे को इतनी महिमा करने नहीं आती, जो गुरुजी कराएंगे, मैं प्रे भी यही करती हूँ, गुरुजी जो बुलवाना हो बुलवा देना, मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस है मैं वही बता सकती हूँ। सो एनी वे गुरुजी, फिर गुरुजी का क्या हुआ कि हम लोग बिल्कुल ही रेगुलर जाने लगे बड़े मंदिर, और डॉटर भी मेक श्योर करती थी कि वहां से मैं और मेरे हस्बैंड दोनों अपना काम से, और रात को गुरुजी के वहां आते थे और हम लोग लंगर करते थे, और मैं देखती रहती थी कि कोई बीमार है उसके लिए लंगर जा रहा है, कोई ब्लेस्ड होने आता था, कोई कहता था मेरी अब टांग ठीक हो गई है, मैं कितनी देर से व्हीलचेयर पे था, ऐसे ऐसे सत्संग सुनने को मिलते थे। फिर लाइफ और चलती गई। तो एक अच्छा सा और एक बताती हूँ, आज शायद मेरी डॉटर है, मैं उसके पास ही हूँ और उसी का सत्संग मुझे गुरुजी ने ब्लेसिंग्स देने के लिए कहा है। सो उसको ना बचपन से गाने का बहुत शौक था, नेचुरल जैसे होता है, मुझे भी था उसको भी था, सो गाने गाती रहती थी, और मैंने उसको बचपन में ऐसे लगा के भी दिए सर कभी हारमोनियम वगैरह, बट जो उसकी एक कहते हैं ना एक तुम्हारी नेचर होती है कि थोड़ी देर बाद छोड़ दिया, बट नेचुरल बहुत ब्लेस किया हुआ था गुरुजी ने, भगवान ने उसको या गुरुजी ने आगे बहुत ब्लेस किया उसको। तो धीरे धीरे
ये रिसेंट टाइम की बात है, मैं जब उसकी शादी भी हो गई है, उसकी शादी वेडिंग से पहले उसने बोला कि मम्मा मैंने ना एक गाना लिखा है गुरुजी के लिए। सो मैंने कहा अच्छा बेटे, तू मेरे को बहुत मन है, बहुत देर से उसको मन था। मैंने कहा कहाँ रिदम होगा, गाने तो तू गाती रहती है पंजाबी हिंदी पार्टीज में, पर कहाँ गाना बन पाएगा बेटा। सो शी सेड नहीं मम्मा, तो गुरुजी के लिए लिख दिया, कुछ ना कुछ तो गुरुजी करेंगे। तो मैंने कहा नहीं, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, कैसे करेंगे गुरुजी, तो ये तो सब कमर्शियल होता है। तो कहती नहीं मुझे पता है, कुछ ना कुछ तो गुरुजी करेंगे। क्योंकि ये टाइम था कोविड टाइम, कोविड टाइम में सबकी जॉब्स चली गई थी, शी वॉज वर्किंग विद उगान इन मालचा मार्ग, एंड वो भी बंद हो गया था 2-3 महीने के लिए। एंड उसको लगा कि अब मैं एंगेज भी हूँ और ठीक है, गुरुजी संभाल रहे हैं सब घर, सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी मेरा मन नहीं है। तो हमने बोला कि मत करो, मन नहीं है। उगान से जब दोबारा कॉल आया तो नहीं है, तो शी सेड नहीं मुझे ऐसे बड़ा मजा आता है, सुबह सत्संग करो सारे फ्रेंड्स के साथ 3 बजे उठ के, और शाम को 6-7 बजे करो। तो शी वॉज वर्किंग विद मी एंड मैं और अपने मेरे पापा, उसके पापा और मेरे साथ, तो हमारा फूड का काम है। तो शी वॉज एंजॉइंग, उसने उसको खूब प्रमोट किया अपने हिसाब से, और वो करती रही गुरु जी की ब्लेसिंग से। और कोविड टाइम में लोगों को जरूरत भी थी, चैरिटी फूड भी करते रहे, जो भी जिन जिनको जरूरत थी खाने की, उसके लिए सब परिवार संगत सब जुड़ी, तो वो उसमें बिजी रही। तो मैं एक सत्संग अटेंड किया था, आई थिंक इट वॉज 2019 और 2020 अर्ली, जब मुझे पूरा याद नहीं है, जब कोविड के लिए लॉकडाउन हुआ है उससे थोड़ी देर की बात है, मैंने एक सत्संग अटेंड किया। तो बड़ा अमेजिंग सा था, बहुत मजा आया, बहुत सारे छोटे छोटे बड़े नए सिंगर्स थे, बहुत कुछ था उसमें, और बड़ा बड़ा आनंद आया सुनने में गुरु जी के भजन। तो उसमें से मुझे बाद में किसी ने फेसबुक पे कॉन्टेक्ट किया, मुझे कॉन्टेक्ट किया और बोला कि आंटी हम आप हमारे यहाँ जो सारे सिंगर्स आए थे ओब्रॉयज में, वहां सत्संग था, मैंने आपको वहां देखा था, तो बहुत अच्छा लगा आपको वहां देख के। तो मैंने बोला कि आप कौन है, मैं तो नहीं जानती, और वहां तो बहुत लोग थे। तो मैंने बोला ऐसे ही, मैं फेसबुक पे फॉलो करती हूँ, मैंने देखा और आप वहां सत्संग पे भी आए हुए थे। तो मैंने कहा अच्छा, इन गुरु जी कुछ कनेक्ट करना चाहते होंगे। तो मैंने कहा आप कौन हो, तो उन्होंने बोला कि आंटी मैं ना एक म्यूजिक बनाते हैं, कंपोजर है, म्यूजिक बनाते हैं, मैं उनकी वाइफ हूँ। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो बोलती आपने बहुत सारे भजन और गाने सुने होंगे सिद्धार्थ मोहन के। तो मैंने कहा हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, मैं उसको बहुत देर से जानती हूँ, जब बिल्कुल वो पैसे भी नहीं लेता था और तब से मैं जानती हूँ, इज अ नाइस गाय, बहुत अच्छा गाता है, बड़ा ध्यान लगता है। तो कई भजन बनाए हैं उन्होंने और मेरे हस्बैंड ने बनाए उनके लिए। सो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वो बच्ची जो वो ना मुझे हमेशा फोन मांगा, कांटेक्ट करती रही बड़े प्यार से कि आंटी सुनो ये शब्द, ये अब हम गाना बना रहे हैं, आप लोग कभी आओ हमारे पास, ऐसे ऐसे कांटेक्ट बनता रहा। और बड़ा प्यार दिया उसने मुझे, और उसने कहा कि मैं आपकी फोटो या कुछ देखती हूँ, आपकी बेटी भी है उसको भी फॉलो करती हूँ। तो सब जैसे हम लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, पर कोविड टाइम में ज्यादा ही किया हम सब ने, कि हम मीडिया पे या एक दूसरे को गुरु जी की फोटोएं भजन लिस्ट बना बना के जो होती हैं, और बड़ा कुछ सब पोस्ट करते रहते थे, डालते रहते थे, क्योंकि वो टाइम था, सबको जरूरत भी थी शायद जूम पे सत्संग, एक दूसरे को मतलब जितना भी गुरु जी के साथ कनेक्ट कर सकते थे सबने कोशिश करी, ताकि सब बड़ी प्रॉब्लम्स में थे, कई डिप्रेस थे, कई खुश थे, बहुत कुछ था, बट मंदिर नहीं जा सकते थे, बंद था बड़ा कुछ। तो उस टाइम पे सब बहुत लोग क्लोज हुए जो लाइफ में आए, जो शायद गुरु जी ही लाए उनको, तो ऐसे ही हमारी लाइफ में वो लोग भी आए। सो उनका नाम भी ले देती हूँ, निखिल है, निखिल बैरी और उसकी वाइफ, तो वो लोग भी हमारी लाइफ में आ गए, ऐसे ही आए, ये इसके सोशल मीडिया के थ्रू, कोई जान पहचान नहीं, कुछ नहीं। एंड यू नो मुझे नहीं पता, मुझे पूरा बीच का ये नहीं पता, पर ये गुरुजी की एक ब्लेसिंग है कि
उन्होंने आतिका को बुलाया, बोला कि हमारी छोटी बहन जैसी है। सो गुरु जी की कृपा देखो कि जहाँ लोग तरसते हैं कि मैंने ये गाना लिखा है या बनाया है, जगह जगह जाते हैं, और उन्होंने आतिका को वो भी ब्लेस किया। गुरु जी ने क्या मन में डाला, क्या करा कि आतिका ने भजन जो लिखा था उसको इतना खूबसूरत रूप दिया निखिल ने, बहुत सुंदर मेरे प्यारे गुरु जी। और गुरु जी ने इतना ब्लेस किया, इतना ब्लेस किया, एंड ही डिडंट चार्ज एनीथिंग। सो ये ब्लेसिंग है। ये आज के टाइम में कोई किसी का कोई काम ऐसे नहीं करता, सिर्फ गुरु परिवार है, फिर भी तुम्हारे दुख हैं, तुम्हारे सुख हैं, तुम्हारी खुशियां हैं, उनमें खड़ा होता है। जिस इंसान को खुद भी सबको किसी ना किसी को हर रूप में पैसे काम सबकी जरूरत है, लेकिन उस टाइम गुरु जी की जो महिमा, गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी कैसे पूरी कराते हैं, हम तीनों नहीं समझ पाए कि एक इतने हाई लेवल का गाना भजन गुरु जी का, एक बच्चे ने लिखा हुआ, सिर्फ एक अपने मन की बात लिखी हुई, और वो कैसे गुरु जी ने वो भी ब्लेसिंग पूरी कराई। इट्स बीन लाइक आई थिंक 1.5 ईयर और 2 ईयर्स। सो कोविड टाइम आई थिंक 1 साल हो गया था, तो गुरु जी ने वो भी उसकी कैसे पूरी कराई, किसने मुझे फेसबुक से कॉन्टेक्ट किया, मुझे नाम भी नहीं पता, मुझे इंसान भी नहीं पता, सिर्फ ये था कि वो लोग भी गुरु जी को धीरे 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 गुरु जी की ओर झुक रहे थे, और हमें तो गुरु जी ने अपने चरणों में रखा ही हुआ है जैसे भी, और बाजू भी पकड़ी हुई है, पीठ भी पकड़ी हुई है, हर तरफ से पकड़ के रखते हैं। सो मैं वही बोल रही हूँ कि बहुत चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मैं इसीलिए गुरु जी की ब्लेसिंग्स है हमारे ऊपर। तो ये गुरु जी की ही चीज है, ये भी गुरु जी की ही मर्जी थी कि उसकी ये इच्छा भी गुरु जी ने पूरी की, और जब उसकी इच्छा पूरी होगी तो उसके पेरेंट्स तो खुश होंगे, उसके घर के जो सारे बड़े हैं खुश होंगे। तो हमें खुशी देने का तरीका है ये गुरु जी का, ये भी खुशी देने का तरीका है। मेरा सन इन लॉ बहुत अच्छा है, वो भी गुरु जी, और उनके सारे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, वो भी गुरु जी का एक तरीका है कि वो हमारी लाइफ में इतने अच्छे लोगों को लेके आए, इतने सिंपल लोगों को, बहुत अच्छी जैसे संगत को तुम्हारी लाइफ में लाते हैं, तुम्हारा परिवार को ब्लेस करते हैं। सो गुरु जी ने वो भी एक ब्लेसिंग मेरी पूरी करी, सो ब्लेसिंग दी। सो ये मैं आप लोगों के साथ अपनी खुशियां बांट रही हूँ, और मैंने आपको बताया। इसी तरह मेरे एक और चीज थी कि मेरी जब डॉटर की शादी हुई तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। हमें लगता था कि अब जैसे बेटी गई घर पे, और जो जो बम्पी लाइफ है ऊपर नीचे वाली, वो भी बहुत स्मूथ है, गुरुजी ने बड़ी शक्ति दी हुई है सब कुछ सहने की, सब करने की, सत्संगों पे भी बुलाते हैं, प्यार भी करते हैं, सब कुछ कराते हैं, जहाँ सेवा देनी है सेवा भी देते हैं, तो वो भी उनकी मर्जी से होता है। गुरुजी ने आई थिंक सबको अपना अपना एक एक छोटा छोटा कार दिया हुआ है, वो हमारी मर्जी से नहीं होता, गुरुजी की मर्जी से होता है। जब हम बोलते हैं ना कि ये मैंने किया, मेरे यहाँ सेवा होती है, मैंने यहाँ लंगर बांटा, मैंने यहाँ सत्संग किया, मैंने उसकी हेल्प करी, मैंने उसकी हेल्प नहीं करी, मैंने उसके साथ ये किया, नहीं मेरा घर बन गया, मैंने ये बनाया, नॉट एट ऑल। जब आप गुरुजी की शरण में आ जाते हो, आप चाहे डगमगाओ, गुरुजी आपको नहीं छोड़ते, और जो राइट टाइम होता है, जो राइट टाइम होता है उसी टाइम वो सब कुछ देते हैं। सो अच्छी चीजें बहुत हुई, क्योंकि वो जब होनी थी तो गुरुजी ने करा दी, और बहुत चीजें थी जो मुश्किलों वाली थी, उसमें कई बार गुरुजी से क्वेश्चन किए गए। मेरी डॉटर की शादी हुई, शादी के एग्जैक्टली 1 मंथ बाद मेरे हस्बैंड गए हुए थे, बहुत ठंड थी, दिसंबर का टाइम था, तो वो गए हुए थे एम्स। एम्स के बाहर सर्दियों में शेल्टर होम लगते हैं, लोगों के जो पेशेंट्स होते हैं उनके रिलेटिव्स होते हैं जो बेचारे आसपास की जगहों से आए होते हैं, तो बहुत ठंड होती है, तो वो शुक्र है उन लोगों के लिए शेल्टर होम होते हैं, और वहां पर सब इंतजाम होते हैं, वो अपना भी लाए होते हैं सामान, कंबल, खाना पीना, पर जो लोगों के अंदर थोड़ा ये सब सेवा भाव होता है, लोगों को पता होता है कि कईयों को बहुत चीजों की जरूरत होती है, तो सब सब वहां जाते हैं परमात्मा की कृपा से, जिनके पास
थोड़ी सी भी सुविधा उनको भगवान ने दी होती है या मिलजुल के सबके अंदर आज भी हमारे कंट्री में बहुत आस्था है सबकी इन बातों में, तो लोग जाते हैं उनसे पूछने या उनको खाना देने या कोई ड्राई फ्रूट कंबल ब्लैंकेट वट एवर दे कैन डू फूड। सो वो एक आस्था है जहां जहां लोग ढूंढते हैं और करना भी चाहिए, बहुत जरूरी है, सिर्फ अपने लिए स्वार्थ नहीं होना चाहिए। सो मेरे हस्बैंड उस दिन गए हुए थे, मेरे हस्बैंड तो मैं क्या बोलूं, गुरुजी ने भेजा हुआ था। सो वो एक दो लड़कों के साथ गए हुए थे और सारी जो थोड़ी सी संगत है, थोड़े फ्रेंड्स हैं, तो फैमिली है, सब उसमें हिस्सेदार होते हैं, सब उस सेवा में इन्वॉल्व होते हैं। सो वो गए थे तो उन्होंने मुझे सुबह बोला कि मेरे को यहाँ पर ना एक राइट साइड थोड़ा सा फेस में ना दर्द है, मुझे लग रहा है कि दांत में कोई इन्फेक्शन है। तो इज अ हाईली डायबिटिक और बीपी छोटी एज में उनको 30s में हो गया था। सो गुरुजी ने तो खैर बचाए रखा इतने सालों से। सो उनको उन्होंने मुझे बोला तो मैंने बोला आप ब्लैंकेट बांधने जा रहे हो फिर आके डॉक्टर को दिखा लो प्लीज। तो सो बोलते हाँ, उनका एक फ्रेंड है डॉक्टर वहां पर, कहते मैं हाँ मैं ना उनसे पूछता हूँ। तो वो वहां ब्लैंकेट वगैरह बांट के और फिर आ गए। तो उन्होंने बोला कि मैंने उसको दिखा दिया, उसने मुझे दांतों का एक पेन किलर दिया, पर मैंने कहा आपका फेस तो बहुत और भी पहले से स्वेलिंग हो गई। कहने कोई नहीं आज ये खाता हूँ नहीं तो फिर जाता हूँ दूसरे डेंटिस्ट पे जाता हूँ। सो ऐसे ठीक है। तो दूसरे दिन बाई चांस ऐसे था कि उन दिनों में बहुत लोगों के पास खाना नहीं था, ये भी कोविड टाइम की बात है क्योंकि अब एक साल और 3-4 महीने हुए शादी को, तो लास्ट दिसंबर बात कर रही हूँ मैं, सो 21 की। सो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है, तो बहुत रहता था, कहीं राशन नहीं था, कहीं खाना नहीं था, कहीं कुछ कुछ तो चलता रहता था। तो हम उनको बोलते थे कि आप नहीं जाओ, जो थोड़े से लोग या 50 प्लस हो तो यू शुड गो, क्योंकि डर लगता है, 3-3 मास्क पहन के चले जाते हो, लेकिन गुरु जी कराते थे, उनका कोई कर्म कटारे नहीं है, तो समझते कुछ नहीं होता। मैंने पहने होते हैं, 2 मास्क पहने होते हैं और बंद हाथ भी, मैंने ग्लव्स पहने होते हैं और सब मैं सेफ हूँ, सैनिटाइजर होता है। सो उनको अच्छा लगता था। तो वो लड़कों के साथ बॉयज जो और हेल्प करते थे आसपास के, कई स्कूल्स में लगा हुआ था कुछ ना कुछ, या राशन बांट दो या खाना बांट दो, कुछ ना कुछ हम लोग इकट्ठा करते रहते थे जैसे भी गुरुजी कराते थे और हम चले जाते थे, तो वो चले जाते थे एक्चुअली। तो उनको उन्होंने बोला कि आज वाला ये लंगर भी हो जाए, रात को पेन किलर खा लिया था तो उससे आराम हो गया था, अब ये हो जाए। पर मैंने कहा मुंह तो बहुत बड़ा हो गया, फेस तो बहुत स्वेलिंग हो गई। बोले कुछ नहीं मैं अभी आता हूँ, 3:30 बजे लंगर खत्म हो जाता है, खाना खिला के लोगों को आता। तो वो आए 3 बजे। सो मैंने उनको बोला आप खाना खा लो, तो कह रहे कि आज बहुत अजीब हो रहा है। मैंने वहां जा लंगर बांट रहे थे, वहां पर मैं बैठा था, तो मैंने अपने लिए चाय बनवाई और मेरी चाय एक साइड फेस में से सारी लिप से बाहर गिर गई, अंदर स्वेलो नहीं हो रहा, कुछ भी अंदर जा नहीं रहा। तो मैंने बोला कि आप अब मेरे सामने खाओ और ये पियो। तो यही हुआ कि अंदर जा ही नहीं रहा था और फेस धीरे धीरे ऐसे था जैसे जैसे घड़ी चलती है ना, इसकी क्या कहते हैं, सेकंड्स की, ऐसे उनका फेस मैंने देखा। और हमने उसी टाइम अपना जो एक हमारे जनरल जो आम डॉक्टर्स हमारे एक होते हैं, मैंने उनको कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि आप ऐसे करो आप आ जाओ 1 घंटे में आ जाओ, मैं क्लिनिक खोल दूंगा 4 बजे। तो मैंने अपने ब्रदर को बोला और हम गए, और माय हस्बैंड इज क्वाइट इमोशनल एंड वेरी अटैच्ड टू ओनली डॉटर। तो ही सेड ओहो आतिका तो घूमने गई है, मैं आतिका को देख पाऊंगा, मुझे क्या हो गया। तो मैंने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ गुरु जी, है ना आप तो इतना फेथ करते हो, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेथ है आपका। सो हम डॉक्टर पे गए तो ही सेड कि क्योंकि उनको इनकी हिस्ट्री पता है कि बीपी और ये सब प्रॉब्लम इश्यूज है, तो ही सेड कि अभी इमरजेंसी न्यूरो उस पे जाना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। तो मेरे कहे अभी फटाफट आप गंगाराम या बीएल कपूर जाओ, फटाफट आपको अभी जाना पड़ेगा। तो हम लोग मेरा ब्रदर भी आया और हम लोग इनको लेके गए और हम
गुरु जी का जाप करते रहे 15-20 मिनट, दिल्ली का ट्रैफिक हमारे घर से 10 मिनट का रखा है, लेकिन हम हाफ एन आवर में इमरजेंसी पहुंचे और बस उन्होंने फटाफट जो अपने सारे प्रोसीजर शुरू कर लिए, क्योंकि हमें डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ था और उन्होंने देख भी लिया था सारा टर्न था फेस। और मैंने फैमिली वालों को भी एक दो को बोला और उन्होंने सबने बोला कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन मीनवाइल वेरी इंपॉर्टेंट आप आतिका को बोलो कि वापस आए। तो हमने आतिका को भी इन्फॉर्म किया, जो गुरु जी उसके दिमाग में कुछ डाल चुके थे कि कुछ दिल्ली में ठीक नहीं है। सो एनीवे उन्होंने सारे प्रोसीजर जो डॉक्टर्स के होते हैं, मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि उन्होंने फटाफट सारे किए, लेकिन इतनी बेचैनी थी जब तक मेरे सारे घर के बच्चे जो भी यंग जो बच्चे हमारे पास आ सकते थे, क्योंकि इतना टफ टाइम था कि उस टाइम भी बहुत स्ट्रिक्टनेस थी, बड़ों को हमने अलाउ नहीं किया कि घर में ही सब बैठो अपना मास्क लगा के, कोई नहीं आएगा हॉस्पिटल ज्यादा अंदर, कोई एंट्री नहीं करेगा, मैं हूँ जैसे भी कई, क्योंकि तब बहुत ज्यादा था रूल्स तब भी, और कोविड का बहुत डर था, हॉस्पिटल जाने ही बहुत डर लगता था, पर बस गुरु जी का नाम लेके हम चले गए। एंड देन दे सेड कि और हमने सब टेस्ट कर लिए, ECG ये वो, कईयों की रिपोर्ट अभी आएगी, पर हमें डाउट है कि इनके ब्रेन में क्लॉट है। सो उसके बाद मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट गई एंड मैं गई और कह रहे हमें फटाफट MRI भी करना पड़ेगा। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मैंने बस गुरु जी का जाप किया, मैं बैठ गई, बच्चे थे इनके साथ और डॉक्टर ने भी फ्लाइट बुक करी सुबह आने के लिए। मैं जाप करती रही, ये फोन को ऑन करके मैंने जाप लगा लिया और मैं सुनती रही, क्योंकि इनको ले जाना था उन्होंने आधे घंटे के अंदर MRI के लिए और सब प्रोसीजर करने के बाद। सो मुझे कुछ समझ नहीं आया, सो मैंने कॉल किया अनीता आंटी को, शी वॉज ट्रेवलिंग बाई चांस, मुझे पता नहीं था कि वो ट्रेवल कर रही थी। शी सेड आप मेरे आप ना ब्रदर को फोन करो, मैंने ब्रदर को फोन किया एंड शी ही सेड कि मैं मेरौली साइड हूँ, क्या करना है? मैंने कहा ऐसे से मुझे अर्जेंट गुरु जी का जल प्रसाद चाहिए, तो बड़े मंदिर से तो शायद ना मिल पाए, क्योंकि वही मैं बता रही हूँ मंदिर कभी ऑन कभी ऑफ, तब बड़ी मुश्किल थोड़ा थोड़ा खुलना बंद होना, और जैसे बाहर से प्रसाद मिलता था ये सब हो रहा था। सो आई जस्ट कॉल आंटी, सुधा आंटी छोटा मंदिर कि मुझे प्लीज मुझे जल प्रसाद गुरु जी का दे दो, एंड उन्होंने दिया, मेरा ब्रदर लेके आया और मेरे पास BL कपूर हॉस्पिटल पहुंचा, अंकल के पास तब तक पहुंच गया जब तक वो MRI के लिए ले जा रहे थे। एक दो घुट पिए और हम लोग बाहर एक दो जिन्हें बैठे थे तीन जिन्हें, हम लोग अपना मतलब मैं अपना गुरु जी का जाप ही करती रही। सो वो अंकल को लेके आए और उन्होंने बोला कि हाँ हम आपको थोड़ा ही बता सकते हैं कि देखिए क्लॉट तो है ब्रेन में, क्लॉट है फेस पे भी आया है और थोड़ा लेग्स में भी कुछ ना कुछ इनकी प्रॉब्लम आई है, और लेकिन जो मेन न्यूरोसर्जन है वो तो मॉर्निंग में ही आएंगे, हम बात करा देते हैं, आपको घर ले जाना है, आपका रिस्क है, आपको यहाँ रात को रोकना है, तो हम सब हैं। सो गुरु जी का नाम लिया, घबराए, पर उन्होंने कहा घबराओ नहीं, देखियो है प्लॉट है लेकिन हम घबराओ नहीं। सो हमें सेफ लगा, हम वहीं रहे और गुरु जी ने बस प्रार्थना करते रहे कि गुरु जी संभाल लेना। मॉर्निंग में फिर सब डॉक्टर भी आ गए और फैमिली भी आ गए, उनकी हमें डॉक्टर भी आ गई, सब टेस्ट वेस्ट जो होने थे सब हुए। सो डॉक्टर आए, डॉक्टर ने पूरा प्रोसीजर किया, जो भी समझाया, मेडिकेशन शुरू किया, बोला कि आप यू आर लकी, उनको बोला लकी, आप लकी हो कि आप बच गए। सो जो आपकी रिपोर्ट्स हैं तो उस हिसाब से बस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और अब आप अपने ट्रीटमेंट में हमेशा रहेंगे, लेकिन यू आर लकी, यू हैव आपके ऊपर एक पावर है, आपके ऊपर कुछ है अच्छा सा। तो ये मेरे साथ भी हुआ कि डॉक्टर बोलते हैं ऐसे, मेरे साथ भी एक है जब गुरुजी फिर से कभी मौका देंगे, मेरे साथ भी ऐसे डॉक्टर ने बोला था मुझे ठीक करना, एक साल बाद ठीक करने के बाद कि कुछ है ऐसी कोई शक्ति है तेरे ऊपर, और ये डॉक्टर ने बोला यू आर लकी, आपको ब्लेस किया, आप कुछ है आपके ऊपर। सो इतने बड़े बड़े सर्जन जब ये बातें बोलते हैं तो वहां समझ आती है कि गुरुजी की तो महिमा ही अलग है। तो हमने कहा हाँ हमें पता है कि हमारे पास क्या है। So, गुरु जी ने किस तरह से बचाया, उन्होंने मुझे समझाया कि क्लॉट है, कोने में है, छोटा सा है, घबराना नहीं है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, और गुरु जी ने कैसे उनको ब्लेस किया कि
कि ये सिर्फ हम जानते हैं, हमें ये पूरा फेथ है कि उन्होंने ही इनको बचाया, सेव किया। और गुरुजी वो सब गाड़ी चलाई जा रहे हैं, करी जा रहे हैं, तो उनकी ब्लेसिंग्स अपरंपार हैं। जहां उनको पता है कि अभी मैंने इसको ये बचाना है, ब्लेस करना है, ये भी उनको पता है कि क्या करना चाहिए, क्या कम नहीं करना चाहिए। एक रीजन शेयर करना चाहूंगी, अगर वो शेयर नहीं किया तो मेरा मन हल्का नहीं होगा, क्योंकि संगत है, संगत सुन रही है, सारे गुरुजी सुन रहे हैं उनके रूप में। गुरुजी को तो पता ही है, आई लॉस्ट माई फादर अभी 5 महीने पहले, मतलब तो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा शॉक, मेरे हीरो, मेरे पापा, मेरी स्ट्रेंथ, मेरे पापा वो चले गए हमें एकदम छोड़ के। एकदम छोड़ के कहूंगी, इसलिए कहूंगी क्योंकि पापा बहुत हेल्दी थे, बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल था उनका, और पापा फुल ऑफ लाइफ थे। कभी भी उन्होंने अपने कोई प्रॉब्लम्स, कोई दुख, कोई चीजें बहुत रो के शेयर नहीं किया था। उनकी जर्नी भी बहुत हार्ड रही है, बहुत अच्छी लाइफ थी, बहुत अच्छे परिवार में पैदा हुए थे, बहुत अच्छे स्पिरिचुअल थे, वो हवन में बिलीव करते थे, पर कभी किसी को कुछ कहते नहीं थे। जिसे कहते हैं हम पंजाबी में सुच्चा इंसान, सुच्चे इंसान, मैंने अपने पापा जैसे कभी नहीं देखे। सबको अपने पेरेंट्स अच्छे लगते हैं, पर मैं अपने फादर को एक अच्छे ह्यूमन बींग की तरह ज्यादा बोलूंगी कि फादर से भी ज्यादा बोलूंगी कि एक अच्छे ह्यूमन बींग, एक सच्चे इंसान। किसी के पैसे की तरफ नहीं देखना, कहते थे जितनी चादर है उतने पांव पसारो, किसी को पकता नहीं रखने दो कि तुमने आज रोटी खाई है सब्जी के बगैर। तो मेरे फादर ऐसे थे, फुल ऑफ लाइफ थे, जहाँ हेल्प करना हेल्प करते थे, अपनी वॉक करते थे। छोटी उम्र में डायबिटीज हो गई थी 30s में, सो ही वॉज 79 व्हेन ही पास्ड अवे, बट ही वॉज लाइक 19 ईयर्स ओल्ड बॉय। आज भी वो मेरा भाई बहुत ध्यान रखता था, ऐसा भाई किसी को मिलता नहीं है। वो भी गुरु जी को बहुत मानता है, गुरु जी से स्ट्रेंथ मांगता है। अभी वीक पड़ गया है, लेकिन गुरु जी हैं उसके साथ, मुझे पता है, मम्मी के साथ भी है। तो वो पापा का ये था कि आज कोविड टाइम में भी अगर वो गार्डन में अलाउ नहीं करता था ब्रदर, तो वो अपने अंदर रोज सुबह 1 घंटा वॉक, शाम को रूम से ड्राइंग रूम। उनकी ऐसी डिसिप्लिन थी, अपनी जो अपनी किताबें पढ़नी सारी, जो आर्य समाज की होती थी, सब पढ़ना, सुनना, सत्संग भी सुनाती थी। मैं उनको सुनते थे बड़े ध्यान से, पापा मैं सत्संग गई थी वहां, ये सत्संग सुना वो। सो जुलाई में थोड़ी थोड़ी से कमजोर होने लगे, थोड़ी थोड़ी एपेटाइट कम हुई। डॉक्टर्स थे, भाई बहुत ध्यान रखता था, वो हर डॉक्टर जो उनका लगा हुआ था हार्ट का, गंगाराम में, जबकि उनको इश्यू नहीं था हार्ट का, डायबिटीज का, आंखों का, जो भी, बट ही इज अ वेरी गुड, मतलब ऐसे बच्चे नहीं होते आज के टाइम में। ही इज ऑल्सो 56, पर उसने अपने पापा को और मम्मी को बिल्कुल श्रवण की तरह पाला। सो गुरु जी की ब्लेसिंग है ये बहुत बड़ी मेरी लाइफ में। So, पापा को डायग्नोज हुआ, पापा की जब थोड़ी तबीयत और खराब होने लगी, तो वही जो हमारे डॉक्टर हैं, उन्होंने एक्सरे कराया। पहले उन्होंने कहा कि शायद पता नहीं क्यों उनको ब्रोंकाइटिस तो नहीं हो गया। पापा बोलते थे मुझे सांस नहीं आता, रात को ठीक से सांस नहीं आता, और मैं सीढ़ी चढ़ता हूँ तो सांस की प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज इट वॉज वेरी एक्टिव, ईटिंग फूड, एवरीथिंग। सो ऑगस्ट में आते आते वो थोड़े और ढीले हो गए, और जो भी डॉक्टर्स ने टेस्ट में, सब ने, जो उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं, सब ने कराए, सब पॉजिटिव, अच्छी, सब मुझे समझ नहीं आई, सारी सब उनकी रिपोर्ट्स अच्छी थी। एंड यू नो एकदम 27th को एक लास्ट एक्सरे हुआ, तो उसमें उनको लास्ट स्टेज कैंसर उसमें डिटेक्ट हुआ। और ये मेरे ब्रदर और मेरे हस्बैंड सब, और मेरे और सारे भाई सब, कोई सब ट्रैवल कर रहे थे, सब एक दिन के अंदर अंदर वापस आए और सब भागे इधर उधर। मैंने भी गुरुजी का जल फिर से बड़े मंदिर से, छोटे मंदिर से पापा के लिए मंगाना शुरू किया, और पापा उस दिन से पीने लगे, उनको देते रहे, वैसे ही देते थे, मैं प्रसाद जो होता था उनके लिए लेके आती थी। सो पापा को 27th ऑफ अगस्त को ये डायग्नोज हुआ, और सारी जगह जितने हॉस्पिटल्स थे सब जगह सब सारी रिपोर्ट्स चलती गई जाती गई, और ही वॉज वेरी अनईजी। वो टाइम था कि स्टार्ट हो गया था, और डॉक्टर्स ने बोला कि उनके लंग्स तो बिल्कुल खत्म है, और 3 जगह और स्प्रेड हो चुका है लास्ट स्टेज। एंड इट वाज अ शॉक फॉर अस, इतना हेल्दी, इतना हंसने खेलने वाला, ऐसा बंदा भगवान का नाम देने वाला, किसी को कुछ नहीं, धोबी जा रहे हैं, नाई जा रहे हैं, हर
गली में शिक्षा वाला जा रहा है, उसका नाम पूछना, उसको इज्जत देनी, प्यार देना, ये कैसे हो सकता है? गुरु जी से भी क्वेश्चन किया, ये कैसे हो सकता है? सो बट होने को टाल नहीं सकते, गुरु जी शक्ति देते हैं, गुरु जी को भी पता होता है कि कितनी शक्ति देनी है। उन्होंने शक्ति दी, मुझे भी काफी शक्ति दी, भाई को भी शक्ति दी, फिर हम दो बहन भाई हैं, बाकी सब भी बहुत प्यार करते हैं, मेरे हस्बैंड भी बहुत प्यार करते हैं उनको, मेरी डॉटर भी बहुत करती है, सब करते हैं, और मेरे सारे ब्रदर्स एंड कजन्स। सो पापा का डायग्नोज होते होते कहाँ तक सारे हॉस्पिटल्स में पहुंचता गया, और सब जगह से वही एक आंसर आता रहा कि कोई बोलता था 1 महीना, कोई बोलता 2 महीने, कोई बोलता था 6 महीने, कोई 3 महीने, क्योंकि लंग्स खत्म हो चुके हैं और ऐसे खत्म हुए कि इनके लिए ऑक्सीजन लेवल जो है, जो सिर्फ हॉस्पिटल में होता है, वो भी अब प्लांट्स लगे हैं कोविड टाइम में, वो ऑक्सीजन लेवल है। सो हमने उनको बताया नहीं, जो आदमी फुल ऑफ लाइफ था, सो हमने उनको हॉस्पिटल लाना, गुरुजी का जल बॉटल उनके आसपास रहती थी हमेशा, और मैं बोलूंगी कि ही वाज 18 डेज ही वाज इन आईसीयू, सब फैमिली मेंबर्स को मिलते रहे, मैं उनके पास खड़ी होती थी, 2-3 टाइम अलाउड था मिलना, मैं और मेरा भाई, तो मैं जाके 5 मिनट के लिए जाप लगाती थी, सारी नर्सेस जो उनके थे आईसीयू में, उनको इंस्ट्रक्शंस थी कि वो अगर सो रहे हैं, जाग रहे हैं, फोन में उनके पास ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय मैंने सेंड किया हुआ था, या पापा के कानों में ये लगाई रखा करो, और जब भी पानी मांगे, उनको प्यास लगे, तो ये गुरुजी, हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है, और ये उनके यहाँ पर उन्होंने अलाउ की हुई थी गुरुजी की फोटो भी, और ये उनको एक एक बूंद देते रहना है जब भी उनका दिल करे, या उनके पानी में, या उनकी दाल में, जो खाना तो सब खत्म हो गया था उनका, सफर कर रहे थे, हाथों में स्वेलिंग, पैरों में स्वेलिंग, हार्ट की मशीन, उनकी मशीन आपको पता है लंग्स के साथ क्या होता है, क्या बोलूंगी, मतलब ऐसे लगता था कि गुरुजी पापा के साथ ऐसे क्यों हो रहे। सारा दिन हम हॉस्पिटल बैठते थे, दोनों बहन भाई सब आते थे, कोई रोता था, कोई कुछ, तो गुरुजी से बोलते 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 ऐसे करके 13 दिन या 14 दिन निकल गए, और शराब का टाइम आ गया। मैं आपको बता रही हूँ, जो गुरुजी कहते हैं ना, बहमो में मत पड़ो, तो गुरुजी बिल्कुल ठीक कहते हैं, शराब आ गए, शराब आके, और शराब चार शराब रह गए या लास्ट शराब था, आई डोंट नो, मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो पापा एक आईसीयू में और थे, जो उन्होंने हमसे सबसे बात भी करी, और बोला ना मैं इधर दा ना मैं उधर दा, तो मैंने बोला नहीं पापा आप ठीक हो जाओगे, कहाँ ठीक होएंगे, हमें भी पता था नहीं ठीक होएंगे, पर वो एंड तक गुरुजी का जल लेते रहे। और वो दिन था, मुझे याद है, तो मैंने बोला कि गुरुजी सब हमारे फैमिलीज में बुरा मानते हैं, आज भी सब ऑर्थोडॉक्स हैं, कोई कुछ बोलेगा, मेरे पापा इतने अच्छे ह्यूमन बींग थे, तो मुझे पता है आप बोलते हो कि बैन नहीं करना, लेकिन पापा को श्राद्धों में मत जाने देना। फिर ये मुंह से निकला और मैंने अपने आप को बहुत कोसा कि मैं अपने पापा को जाने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि पापा इतना टॉर्चर हो रहा था कि रोज डॉक्टर्स के साथ मीटिंग हो रही थी और सिर्फ मशीनों पे चल रहे थे, और इतनी विल पावर थी फिर भी वो बात करते थे। सो, मैंने बोला कि आप पापा, अब मैंने बोला गुरुजी पापा को श्राद्ध में नहीं जाने देना, पापा को श्राद्ध में, मुझे पता है पापा जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, पर लोग बोलेंगे शरादों में चला गया, मैं सुन नहीं पाऊंगी। सो गुरु पापा को उस दिन से दूसरे आईसीयू में शिफ्ट करना था, पापा क्लैप्स भी हो गए रास्ते में, पर जब हम पहुंचे तो दैट वाज द लास्ट डे कि पापा को, उन्होंने हमसे पूछा कि पापा को क्या बोलते हैं उसको लगाना है, क्या बोलते हैं यार, वेंटिलेटर लगाना है। तो वेंटिलेटर होता है जो मुंह से डाल के लगाया जाता है अंदर, और उसमें मैं और मेरे ब्रदर ने रिफ्यूज किया, फोन पे बात हुई सारी फैमिली से, सब ने रिफ्यूज किया कि और टॉर्चर नहीं, बहुत टॉर्चर हो रहा है, ऐसे तुम नहीं जाने दे सकते, पर लास्ट टाइम तक फाइट करेंगे, लेकिन वो बहुत खराब है। तो एक और होता है जो बड़ा मास्क होता है, वो लगाना था, पर उसने पापा को देखा नहीं जा रहा था, बहुत हार्ड था उनका फेस, लास्ट हमारे को दोनों को ऐसे हाथ किया कि मेरे से उतारो, ये उतारो, बस दैट वॉज द लास्ट डे। And that was the day जब last वो था शराब था। So शराब के बाद 4 दिन वो बेहोश रहे, मॉफिन पे थे, बेहोश रहे, बस हमको देखते थे, दर्शन करते थे, मिलते थे, प्यार कराते थे हाथ पैरों पे, सारी फैमिली, जो बच्चे सब, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन,
बहन भाइयों के बच्चे सब बहुत प्यार करते थे, सच्ची में बहुत प्यार करते थे, बहुत प्यार देते थे। और फिर मैंने उस दिन गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी पापा के पास कानों में नर्स को भी बोला हुआ है, मैं भी जाती हूँ और हम ब्रदर और हम लगाती हूँ 5 मिनट्स के, 5 मिनट्स वाला मैंने मांगा सबसे कि मुझे सबसे शॉर्टेस्ट भेजो, इतना ही अलाउड है अंदर खड़ा होना। पर अब ये लास्ट 4 दिन है, बात तो एक ही है, पर अब मैं इनको दूसरा भजन लगा देती हूँ। उन्होंने मेरे को बोला गंगा जल ला के दो, ये क्या कोई किताब पढ़ते थे, हम इनके बेड साइड पे रखना चाहते हैं। मैंने बोला हाँ ये 4 वेद पढ़ते थे, वो भी उनके पास रखी, गुरु जी की भी तो उनके पास रहती थी फोटो हमेशा, जो उन्होंने बहुत सबने ध्यान से रखी। तो उसके बाद वो ऐसे ही वो दिन था, उसके बाद पापा से कभी इंटरेक्ट नहीं, उनकी आंखें कभी नहीं खुली। और गुरु जी ने पूरा और ऐसे करके 4 दिन निकाले, और 4th नवरात्रा था माँ का, तो उस दिन जब हमें कॉल आई कि इज नो मोर, सुबह सुबह वो चले गए हमारे को छोड़ के। सो मुझे बहुत तकलीफ हुई। मैंने कहा गुरुजी मैंने अपने पापा के लिए क्या मांगा, ये बोला कि उनको उसमें मत भेजना, लेकिन मैंने उनके वो जाने के लिए मांग लिया, लोग कहते हैं ठीक हो जाए। फिर खुद को समझाया, सबने समझाया कि तूने देखा कि कितना टॉर्चर हो रहे थे, वो इतने अच्छे ह्यूमन बींग थे, उनको वो डिजर्व नहीं करते थे। तूने जो बोला कि गुरुजी नहीं नहीं तो वो शायद 3-4 दिन पहले जाते, इनको इस दिनों में मत जाना, तो वो छोटी छोटी हमारी चीजें पूरी करते हैं। तो सुनना नहीं चाहती थी कि वो शराब में गए, तो गुरुजी ने ये भी एक तेरे को ब्लेसिंग दी, नहीं तो वो कितना लटकते कितना तड़पते। वो अपने आप को उस टाइम लगा मैं अपने आप को समझा रही हूँ, मैं अपने आप को समझा रही हूँ, लोग मुझे समझा रहे हैं, तो हार्ट तो बहुत है। उनका चेहरा याद आता है, उन्होंने जन्म दिया है, और लेकिन जो गुरुजी ने उनका कल्याण किया है उसको मैं जब सोचती हूँ, जो मेरे पापा के साथ हो रहा था उसको सोचती हूँ, तो मैं शुक्र करती हूँ गुरुजी का। और मेरा टाइम हो गया है मुझे लग रहा है, लेकिन मैं छोटे से में बताना चाहूंगी, एक बहुत छोटे से में, कि जब पापा चले गए उसके 13 या 14 दिन बाद या 15 दिन बाद, आई थिंक एक पहला सत्संग था, क्योंकि कहीं जाने को दिल नहीं था किसी भी जगह, घर में शादियां थी कुछ थी, क्योंकि बहुत शॉकिंग था। विद इन 31 डेज थे जिसमें पापा चले गए, और उससे 2-3 पहले ऐसे करके हिसाब लगाऊं तो 35 दिनों बाद, पूरे 35 दिन जब उनकी तबीयत खराब हुई है असली में, 35 दिनों बाद गुरुजी ने अपने आप उनको समेट लिया, अपने चरणों में ले लिया, क्योंकि वो गुरुजी ने मुझे दिखाया, क्योंकि आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर माई फादर। मैं कहीं भी मंदिर में बैठती थी, पूजा करती थी, सत्संग करती थी कि पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, पापा कहाँ हैं, कोई बात नहीं करी, पापा को बताया नहीं था, पापा से कुछ भी इंटरेक्शन इस मामले में कि क्या है, मम्मी भी ऐसे ठीक नहीं है बिल्कुल, तो कुछ हम कुछ कर ही नहीं पाए ऐसा। मैं और मेरा ब्रदर सोचते रहे कि आखिर कोई बात उनके मन में कुछ थी, कुछ नहीं कर पाए, तो गुरु जी पापा कहाँ हैं। स्टिल मैं कई बार ढूंढती हूँ, जबकि गुरु जी मुझे दिखा दिए। 14-15 दिन बाद एक सत्संग था यहीं छतरपुर रोड पे, एक पुरानी संगत है, बड़ी अच्छी संगत है, उनके घर में था। मैंने बोला, जब उन्होंने इनवाइट भेजा तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये मुझे जाना है, मुझे सत्संग जाना है। तो छोटा मंदिर मत्था टेक आई उनके 13 दिन के बाद, और उससे 1 दिन बाद ही सत्संग था। जब मैं माँ गई तो माँ जाके भी मैं यही क्वेश्चन करती रही आंखें बंद करके, एक सिंगर है गा रहे थे, तो शब्द चल रहा था बड़ा अच्छा। मैंने कहा गुरु जी मेरे पापा कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मुझे गुरुजी ने साक्षात दिखाया, जहां गुरुजी का दरबार बना हुआ था लेफ्ट साइड पे, वहां पर सिंगर है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, छोटे से हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं, शुभम, वो गा रहे थे, और मैं ऐसे बैठी थी और आंखें बंद थी और बस पापा का चेहरा नजर आ रहा था। और मैं गुरुजी से क्वेश्चन कर रही थी कि मुझे पता है कि आपने उनका सारी तकलीफ और दर्द खत्म कर दिया, पर फिर भी गुरुजी मन नहीं मानता एकदम, पापा कहाँ हैं, वो पीस में हैं, क्योंकि ये 1 महीना उन्होंने अपनी लाइफ का सबसे दर्दनाक टाइम बिताया है, क्योंकि वो इतने स्ट्रांग थे कि उन्होंने हर चीज को अपने आप हील किया, अपने आप हील किया, हमेशा स्ट्रांग रहे वो लाइफ में। बात करते करते गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी का जो वहां पर बड़ा सुंदर दरबार बना हुआ था, सारी दरबार गुरुजी के बड़े सुंदर होते हैं क्योंकि गुरुजी वहां बैठे होते हैं, तो साइड पे मुझे उन्होंने दिखाया कि गुरुजी के बिल्कुल साथ चेयर के पापा बिल्कुल सीधा लेटे हुए हैं,
और दोनों हाथ चेस्ट पे, उनके दोनों हाथ चेस्ट पे हैं। और मुझे गुरुजी ने कहा ये रहे। तो फिर मुझे, मैं मिस बहुत करती हूँ उनको, एक एक टाइम पे मिस करती हूँ, कुछ खाती हूँ, कर पीती हूँ, कुछ हर चीज पे अभी मिसिंग होती है, इतनी जल्दी तो नहीं भूल पाऊंगी, ऐसा रिश्ता है तो। लेकिन मुझे एक तसल्ली गुरुजी ने दी और बोला, पूरा दिखाया कि वो वहां व्हाइट कुर्ता पजामा पहना है, दोनों हाथ रखे हैं, और उन्होंने अपनी चेयर के साथ उनको लिटा के मुझे दिखाया कि ये देख, और बोला ये है। सो उस दिन से थोड़ी मुझे एक तसल्ली हुई, जो कि मुझे पता था मैं इतनी बड़ी हूं कि पापा के लिए जाना ही ठीक था, गुरु जी ने समेटा है उनको, मन नहीं मानता है, क्वेश्चन भी बहुत होते हैं गुरु जी से, लेकिन उनका शुक्राना है कि उनको और टॉर्चर होने से, उनको और तकलीफे से गुरु जी ने बचाया, गुरु जी ने अपने पास बुला लिया, और हम लोगों को भी बहुत शक्ति दी, मेरी मदर को, मुझे, मेरे ब्रदर को बहुत शक्ति दी, फिर भी हमें, उन्होंने हमें भी संभाला ये सब सहने के लिए, क्योंकि पेरेंट्स नहीं मिलते हैं, सब कुछ लाइफ पे मिल जाता है, सब कुछ तुम्हें जन्म देता है, तुम्हें पालता है, पोसता है, तुम्हारे लिए हर चीज का सैक्रिफाइस करता है, तुम्हारे खाने कपड़े पहनने तक हर चीज का सैक्रिफाइस करता है, वो पेरेंट्स दोबारा कभी नहीं मिलते, लाइफ में सब कुछ मिल जाता है। सो प्रार्थना करा करो गुरु जी से कि कभी भी तुम्हारे पेरेंट्स को कभी कोई दुख ना आए इस तरह से, और वो हमेशा अमर कोई भी नहीं हो पाता। लेकिन गुरु जी, जब ऐसे चीजें होती हैं तो गुरु जी हम सबको हर चीज फेस करने के लिए शक्ति दें, और वो देते भी हैं, और उन्होंने दी है, ये वो नहीं है, पापा का भी अपना कर्मा था, हम सबका भी कर्मा था कि हमने उनको ऐसे देखना था, लेकिन गुरु जी ने, डॉक्टर्स ने जो बोला था, डॉक्टर्स को शायद सच पता होगा, हमें नहीं पता, पर कोई कुछ बोलता था, 2 महीने 3 महीने 6 महीने 1 साल तक भी बोला मेदांता में कि शायद काट लें ऑक्सीजन के साथ या जैसे भी, तो गुरुजी ने लेकिन पापा को बहुत प्यार से समेट लिया, उनको और टॉर्चर नहीं होने दिया, क्योंकि तब से गुरुजी मुझे हमेशा, मैं कहीं नहीं जाती, हर हफ्ते बाद एक सत्संग पे बुलाते हैं, हर हफ्ते बाद एक सत्संग पे बुलाते हैं, बहुत अच्छे सत्संग सुनाते हैं और हौसला देते हैं, ये उन वो ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। सो बस मैं, आई थिंक टाइम भी मुझे लग रहा है हो गया है, और मेरा, मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि जो गुरुजी की कृपा है उसका कोई अंत नहीं है, वो जो करते हैं सब समय पे करते हैं, जो उनको पता है कि किस समय पे क्या करना है, उनको सब पता है, वो हमेशा साथ रहते हैं, हम डाउट्स कर लेते हैं, हम उनसे क्वेश्चंस कर लेते हैं, पर वो हमें कभी नहीं छोड़ते, जब एक बार वो हमारी बाजू पकड़ लेते हैं, हमारी लाइफ में आ जाते हैं। सो उनके उनके जो शब्द हैं, उनका जो मंदिर है, उनका जो प्रसाद है, उसमें बहुत शक्ति है, उस प्रसाद से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या लोगों की लाइफ बदलती है, ये भी है। हम ये नहीं बोलें कि उन्होंने गुरु जी का प्रसाद खाया था तो वो क्यों नहीं रहे, उन्होंने 20 दिन गुरु जी का जल पिया तो वो क्यों नहीं रहे, मेरे फादर है, या किसी का भी ABCD कोई भी है घर का, हर इंसान ने जाना है, लेकिन उनसे प्यार करो और उनके ऊपर डाउट नहीं करो, फेथ स्ट्रांग रखो, और उनके ऊपर हमें छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना तो पता नहीं हम क्या कर्म करके आए हैं, पर आगे हमारे को जब लाइफ में गुरुजी आए हैं तो हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, हमने गलतियां तो कर रहे हैं, रोज करते हैं, पर हम कोशिश तो कर सकते हैं कि गुरुजी की सिखाई हुई चीजें, उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार, उनकी उनका जो जल प्रसाद है, उनका जो लंगर प्रसाद है, एक आदि, और ये सब चीजें हैं जो मंदिर है, कोशिश करो वहां जाओ, एक रूटीन बनाओ, जो जैसे जा सकता है, वैसे तो गुरुजी हमेशा साथ हैं, घर में भी हैं, जैसे भी हैं, पर फिर हम तरसते हैं, तो कोशिश तो करनी चाहिए। मैं भी उनको उनको ही प्रे करती हूँ कि गुरुजी आप मेरा कोई रूटीन बनाओ, मेरे को अच्छा लगता है। सो गुरुजी से यही प्रार्थना करो कि, कहते हैं ना कि औखी घड़ी ना देखन देनी, उसके अलावा उनका शुक्राना हर टाइम करो, हर टाइम, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि किस चीज से उन्होंने हमें निकाला है,
कौन से रास्ते में, कौन से रास्ते हम जा रहे थे, उन्होंने किस रास्ते से हमें निकाला है, हमें खुद ही नहीं पता। रोज ये सब चीजें आएंगी, सिर्फ मेरे नहीं सबकी लाइफ में रोज आती हैं। कभी बच्चों का दुख है, कभी पढ़ाई का दुख है, कभी किसी का दुख है, और सुख भी है। गुरु जी उसके साथ साथ सुख भी देते हैं, तो उनका शुक्राना करना मत सीखो। वही जो बोलते हैं सब हमारे बड़े, कि जो जो एक्सपीरियंस ज्यादा है, जो गुरु जी को बहुत ध्यान से सुनते थे, उन्हीं से हमारी सबकी लर्निंग है। कि जो गुरु जी कहते थे कि सत्संग करो, सत्संग सुनो, सत्संग सुनाओ, शब्द सुनो और मानो, मांगो मत। तो ये सब चीजें हैं जो धीरे धीरे गुरु जी हैं उनके पास हम पहुंच जाते हैं इन सब चीजों के साथ। और गुरु जी बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं, उनकी प्रेजेंस हर जगह होती है। हम भूल जाते हैं, हम करते रहते हैं, लेकिन गुरु जी होते हैं चारों तरफ से, तो हर रूप में है। जिसको भी आप मानते हो, चाहे बाबा का रूप है, ये नहीं है कि मेरे हस्बैंड हैं या बाबा को भूल गए हैं या कुछ है, पर गुरु जी में हम उनको बाबा दिखते हैं। उसके बाद वो कभी शिरडी ही नहीं गए। मेरी बेटी को भी गुरु जी के रूप में ही सब दिखते हैं, मुझे भी ऐसे है कि अब गुरु जी दिखते हैं चारों तरफ। तो गुरु जी के मंदिर जाया करें, कोशिश किया करें कि गुरु जी के मंदिर जाएं, लंगर खाएं और अपनी ब्लेसिंग्स लेके आया करें। सो शुक्राना है बस गुरु जी का, मैं यही कहना चाहूंगी। बहुत कुछ है, कुछ कुछ रोज नया याद आ जाता है लाइफ में, गुरु जी जो ब्लेसिंग्स देते रहते हैं। तो शुक्राना है गुरु जी का, शुक्राना गुरु जी की संगत का, जिन्होंने मुझे सुना। मेरे से कोई गलती हो, भूल चुक हो गई हो, तो पहले तो मुझे गुरु जी माफ करें और फिर सारी संगत माफ कर दे, क्योंकि भूल चुक तो हमसे होती रहती है। सो थैंक यू अगेन, शुक्राना अगेन, शुक्राना अंकल जो कॉल कर देते हैं और शायद गुरु जी की जो हमारी ब्लेसिंग्स है वो हमें दिला देते हैं। तो शुक्राना विक्रम अंकल, मैं आपका भी शुक्राना करूंगी। जितने भी मंदिर में सेवादार हैं, मैं आज वो उनका भी शुक्राना करना चाहूंगी, क्योंकि उनकी जो सेवा है हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम कर ही नहीं सकते। जो लोग सेवा हमारी करते हैं, जो पार्किंग में खड़े होते हैं, अंदर खड़े होते हैं, हमें इतने प्यार से लंगर बनाते हैं, खिलाते हैं, वो सब धन है उनको, जो गुरु जी ने ये सेवाएं दी हुई है और हम सबको टॉलरेट करते हैं वो लोग। तो उन सबका तो बहुत ही ज्यादा शुक्राना है कि गुरुजी ने उनको चूज किया हुआ है। ये सब इतनी हमारी जनता को, इतने लोगों को, गुरुजी की कहां कहां से लोग आते हैं और गुरुजी के साथ कितना जुड़े हैं, तो सबको ब्लेसिंग्स मिलती हैं अपने टाइम पे, अपने हिसाब से। तो शुक्राना गुरुजी का, शुक्राना, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।